एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आपको टाइटल से देख के समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी वीडियो बनाने का, बट फाइनली अभी मौका मिल गया तो आई थॉट कि लेट्स मेक द वीडियो। बिकॉज व्लॉग्स में ना कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप कौन सा फूड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा ये वाला ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, आप कौन सा ये यूज़ कर। तो मैं जब मेरे पास मैं जो यूज़ करती हूँ डेली यूज़ में, उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के ऊपर मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं मेरे डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी क्विक फास्ट सब कुछ बना देते हैं एंड मेरे काम को बहुत कम कर देते हैं। बिकॉज अभी तो हम ऐसे माहौल में है जहां हम कोई किसी हेल्पर की हेल्प भी नहीं ले सकते हैं। सिर्फ एक इसमें से ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं 2-3 महीने से यूज कर रही हूँ, बाकी सबको एक एक साल के ऊपर हो चुका है, कुछ को 3 साल, कुछ को 4 साल ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी। सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। ओके गाइस, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। ये है अगारो का न्यूट्री ब्लेंडर। ये बेसिकली मुझे ब्रांड ने सेंड किया था, बट जब से आया है आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड आई लव्ड इट सो मच। मेरे डेली के जो हाउस होल्ड चोर्स हैं उनको ये बहुत ईजी कर देता है। सो दिस ब्लेंडर कम्स विथ 2 ब्लेंडिंग जार। तो ये है फर्स्ट ब्लेंडिंग जार जिसका जो कैपेसिटी है वो 1000 ml है। दिस इज़ ग्रेट फॉर जूसेज एंड स्मूदीज बनाने के लिए, डे टू डे यूज़ करने के लिए बहुत सही होता है एंड ये ईजी क्लीन बहुत अच्छे से हो जाता है। सो इट कम्स विथ स्टेनलेस स्टील ब्लेड और 6 वाली ब्लेड्स के साथ आता है। ये आता है फ्लिप फ्लॉप लिड के साथ, तो आप इजीली यू नो जूस स्मूदी स्टोर करके रख सकते हैं, यहाँ से पोर इजीली कर सकते हैं। बहुत इजीली टू हैंडल है और उसके बाद इसके अलग से एक ऐसी लिड भी आती है सिंपल वाली, तो आप इसको स्टोरेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ब्लेंडिंग जार है वो 500 ml का आता है। दिस इज़ फॉर ईजी ग्राइंडिंग। आप इसमें स्पाइसिस ग्राइंड कर सकते हैं, नट्स ग्राइंड कर सकते हैं, ग्रीन चटनी ग्राइंड कर सकते हैं। इट कम्स विथ पल्स फंक्शन जो कि चॉपिंग को सुपर इजी कर देता है। इसमें 2 स्पीड मोड मिलता है, एक होता है लो स्पीड एंड एक होता है हाई स्पीड। जो लो स्पीड होता है वो होता है ब्लेंडिंग लिक्विड के लिए एंड हाई स्पीड होता है सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के लिए। नाउ ये है वंडर शेफ का तंदूर ग्रिल। सो बेसिकली मुझे एक सैंडविच मेकर चाहिए था, बट उसके बदले में हमको उसी की प्राइस रेंज का ऑलमोस्ट एक ग्रिलर मिल रहा था, तो हम लोगों ने ये लेकर के आए। ये काफ़ी मल्टी फंक्शन है। इट कम्स विथ 10 temperature settings। ये 2000 watt हीटिंग सिस्टम के साथ आता है। आप इस पर टिक्की बना सकते हैं, ब्रेड सैंडविचेस बना सकते हैं, ग्रिल बर्गर बना सकते हैं। इसके अंदर एडजस्टेबल हिंज होता है जो कि एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ योर फूड। यहाँ पर ऑयल निकलने का, पोरिंग करने का बहुत अच्छा फंक्शन है ताकि अगर ज़्यादा ऑयल फूड में आ गया है तो वो बाहर ऑटोमेटिकली आ जाता है। इट कुक्स ऑन बोथ साइड, बट ये नॉनस्टिक है। अगर आपको नॉनस्टिक से प्रॉब्लम है देन यू कैन अवॉइड दिस मशीन। नाउ दिस इज़ माई फूड प्रोसेसर। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ बेसिकली काम क्या क्या करता है। ये स्लाइसिंग करता है, चॉपिंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, श्रेडिंग करता है, फ्रेंच फ्राई कटिंग करता है, जूसिंग करता है, ब्लेंडिंग करता है, नीडिंग करता है, दुनिया के सारे काम करता है। इट कम्स विथ 21 attachments। मतलब ये मशीन अगर आपने ले लिया तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स इसके अंदर आते हैं। ये एक बड़ा सा जार है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल नीडिंग ब्लेड लगी हुई है जिससे मैं आटा गूंथती हूँ, तो ये इसमें लगा ही रहता है। मैं सबसे ज़्यादा इस पूरे फूड प्रोसेसर को यूज़ करती हूँ डो नीडिंग के लिए, आटा गूंथने के लिए। मेरे डेली का इसमें आटा गूंथता है एंड 2 साल हो चुके हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। एब्सोल्युटली अमेजिंग क्वालिटी की मशीन है ये एंड आई टोटली लव्ड इट। तो यहाँ पर जो जार आता है ये है ड्राई एंड वेट ग्राइंडिंग जार और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप देख ही सकते हैं स्टेनलेस स्टील का बॉडी है इसका एंड वेरी वेरी स्टर्डी। इसकी मशीन काफ़ी पावरफुल है। ये मिनी जार है तो आप इसमें अगेन ड्राई ग्राइंडिंग कर सकते हैं, चटनी वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद ये जो बड़ा वाला है ये ब्लेंडर जार है, आप इसमें जूस प्रिपेयर कर सकते हैं, आमरस वगैरह यू नो मैंगो शेक वगैरह ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। नाउ ये है जूसर का अटैचमेंट। आप इसमें किसी भी तरीके का जूस प्रिपेयर कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन। काफ़ी इजी है इसको क्लीन करना एंड अभी जैसे जो डो नीडिंग में हम ऊपर का कवर लगाते हैं उसका बस कवर चेंज हो जाता है, नीचे का जो बेस कंटेनर है वो सेम ही रहता है, बस इसका कवर चेंज हो जाता है जब हम लोग जूसर चेंज करते हैं तो। एंड इस तरह से आप देखिए कोई का भी जूस लगा सकते हैं। नाउ दिस इज़ अनदर अटैचमेंट। ये फॉर सिट्रस फ्रूट्स के लिए, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई, उस तरह के फ्रूट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ब्लेड्स आते हैं इसमें अलग अलग तरह की कटिंग चॉपिंग करने के लिए। ये फ्रेंच फ्राई वाला है, ये चॉपर ब्लेड है। सो इन शॉर्ट बोलूँ तो दिस फूड प्रोसेसर मेक्स माई लाइफ वेरी वेरी ईजी। दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है एंड या आई रियली लव दिस प्रोडक्ट।
नाउ ये है ग्लेन का इलेक्ट्रिक चॉपर, तो इट कम्स विद टू कंटेनर्स एंड टू अटैचमेंट्स के साथ ये आता है। तो ये देखिए छोटा सा, बहुत ही छोटी सी मशीन है एंड ऊपर इसका बटन दिया हुआ है, बस इसी से ये पूरा वर्क करता है। एंड ये जो नीचे वाला एक कंटेनर है इस तरह के कवर के साथ आता है। तो ये है इसका विस्किंग अटैचमेंट, आप इसमें एग को विस्क कर सकते हैं, आप बटर निकाल सकते हैं, आप केक को विस्क कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप आराम से विस्क कर सकते हैं। एंड आपको लगता है कि आपको वो प्रोडक्ट को फ्रिज में रखना है तो आप इस तरह से कवर कर दें लिड से एंड इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत आराम से स्टोर हो जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड अटैचमेंट, तो ये इसकी ब्लेड है, चॉपिंग ब्लेड है जो एक्चुअली में चॉप करती है। तो मुझे अभी तक यूज़ करके इसको ऐसा लगा है कि अगर जैसे सपोज मुझे कभी छोटा एक अनियन को चॉप करना है तो ये इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन वहीं अगर मैं दो अनियन यूज़ कर लेती हूँ तो ये काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म करता है। कम क्वांटिटी में इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, बट अगर नॉर्मल मीडियम क्वांटिटी होगी तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बट ऑल इन ऑल आई लव दिस प्रोडक्ट और ये वर्क को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। नाउ कमिंग टू दिस इंडक्शन कुकटॉप, ये है फिलिप्स का इंडक्शन कुकर एंड इसकी वैल्यू हमें एक्चुअली में तब पता चली जब हमारी गैस खत्म हो जाती है, गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है। दिस वर्क्स अमेजिंग, मतलब ये सारे तरह के काम कर देता है एंड हमारे पास जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो सब इंडक्शन फ्रेंडली हैं, तो हमको ऐसे सोचना भी नहीं पड़ता है कि कौन सा बर्तन यूज़ करना है। तो इसके अंदर सारे फंक्शंस हैं, ये ऑन एंड ऑफ का बटन है, आप मैनुअली इसकी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर रोटी एंड डोसा बना सकते हैं, आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी को अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह का बटन लगा दीजिए, आपको स्टिर फ्राई करना है, स्लो कुक करना है, प्रेशर कुकर यूज़ करना है ना, आप ऐसे करके उन बटन्स को शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। आपको अलग से टाइमर भी सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको इसकी हीट को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मुझे ये फंक्शन लगता है। सो यस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।